हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रुचिदीप। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ और आज तो फिर से ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। खाना पीना बन गया, खा लिए, सब कुछ हो गया। और ये देखिए कैसे कर रहा है कृष्णा। हेलो करो तो हेलो। और आप देखिए पूरा घर क्लीन हो गया है। हाँ, ये दोनों भाई बहन बहुत देर से खेल रहे थे। एक कार्टून खिलौना बहुत दिन से रखा हुआ था, मतलब इसके पापा रख दिए थे, तो वो ना कल अचानक से कृष्णा निकाल लिया और खेलने लगा था। बहुत ज़्यादा भर गया था, वही मैं बोल रही थी कि अभी क्लीन करो, अब चलो सोने। इन दोनों को मैं सुलाऊंगी, फिर मैं अपना काम करूंगी। और उसके बाद अब ये खिलौने से हम खेलेंगे। तो कृष्णा को अभी सुलाना है, कृष्णा सो जाएगा। उस कुछ कपड़े मैं यहाँ पे डाली थी, मतलब कि तब तक पानी निकल जाएगा, फिर उधर डालूंगी ये सब कुछ है। और हाथ से मैं धोई थी वो ये है, और फिर ये तो है ही, फिर भी डाल देते हैं। तो यहाँ पे मैं कपड़े डाल दे रही हूँ। आप लोग मेरे हर ब्लॉग में कपड़े का ज़रूर देखते होंगे, और जैसे खाना बनाना ज़रूरी है उसी तरह कपड़े भी उतना ही ज़रूरी है। डेली डालो, उतारो, फोल्ड करके रखो। फोल्ड करने वाला मैं नहीं दिखा पाती हूँ, क्योंकि डेली मैं फ़ोल्ड नहीं कर पाती, या फिर किस तरह से क्या करती हूँ वो, मतलब इस तरह से नहीं। जैसे डालना तो है, उतारना तो है, लेकिन फ़ोल्ड का मैं कभी किसी दिन ऐसे रख देती हूँ, कभी किसी दिन फोल्ड कर लेती हूँ, इस तरह से है, कभी दो दिन का। और उसके बाद इतना सारा फिर से ढेर सारा है, ये बाल्टी पूरा भरा हुआ है। ज़्यादातर इसमें मतलब 60-70% बाबू लोग का ही है, दोनों बच्चे का ही। तो ये सारा उतार के मैं यहाँ नीचे एक छोटा सा बेड लगाई हूँ ना, वहीं पे डालूँगी, और उसके बाद फिर दूसरा डालूँगी। और धूप आज बहुत ज़्यादा कड़ा धूप है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, मतलब रूम से निकलने का मन नहीं करता, इतना ज़्यादा गर्मी है। तो इसलिए बाहर तो खैर इम्पॉसिबल था डालना कपड़ा, लेकिन इस वाले रूम में भी गर्मी लग ही रहा है। लेकिन ये दूसरे वाले रूम जहाँ पर मतलब ए सी है, वहाँ से लेकर बाहर तक जाना कपड़ा डालने के बाद भारी हो जाता है। ये तो बहुत दिन का हो गया है ना ये हैंगर, तो डर लगता है कहीं टूट ना जाए। वैसे टूटेगा नहीं, लेकिन फिर भी, और भारी भी हो जाता, ले जाने में नहीं बनता जब कपड़ा भर जाता है। तो वैसे कल से थोड़ा सा कम है, मतलब कम इसके लिए है, इस हैंगर के लिए, क्योंकि बेड चादर वगैरह है तो वो सब तो रेलिंग पे डाल दूंगी। ज़्यादा गर्मी है, इस वजह से मैं कृष्णा को बाहर निकलने ही नहीं दी। ये देखिए यहाँ पे बाबू मेरा हंस रहा है, कृष्णा मेरा हंस रहा है, कृष्णा मेरा हंस रहा है। नहीं बेटी, ये अच्छी बात नहीं है, तुम बाबू के साथ नहीं थी और तुम अपना मोबाइल देख रही थी। बाबू बेचारा अकेले लेटा हुआ था। बहुत ज़्यादा गर्मी है, हद से ज़्यादा, बहुत तेज धूप है। अगर ऐसा धूप है तो मतलब कपड़े तो अच्छे से सूख जाएंगे सारा। इसी वजह से मैं बेड चादर के ऊपर से साड़ी वगैरह रख दी हूँ, लेकिन साड़ी में थोड़ा भी पानी नहीं था, एक तरह से सूखा ही हुआ है, लेकिन थोड़ी थोड़ा सा धूप दिखा दे रही हूँ। और हेलो करो,
बाबू बहुत ज्यादा बदमाश होते जा रहा है इसका। बदमाशी का जो लेवल है वो ऊपर जाते जा रहा है। देखिए बोलने भी नहीं दे रहा। हेलो करो, हेलो पापा, हेलो पापा। अच्छा पापा को बाय कर दो। हेलो, अच्छा पापा को बाय कर दो। अभी तक सोया नहीं है, मतलब जो उस टाइम सोया था नहाने धोने के टाइम वही सोया हुआ है। अभी दोबारा वाला सोना इसका बाकी है। और सोने से पहले मैं इसको सोने से पहले फिर से मैं इसको दलिया दूंगी। दलिया खा लेगा उसके बाद सोएगा, क्योंकि दूध पिलाना बहुत दिक्कत हो रहा है। दूध पिलाने में नहीं पीते रहता है तो बहुत ज़्यादा मुश्किलें हो रही है। पता है मेरे पापा क्या बोल रहे थे, मतलब मैं पापा को बताया कि ये दूध बिल्कुल नहीं पी रहा है, देखे ना दुबला हो गया है बहुत ज़्यादा। तो बोल रहे थे कि ये बहुत दुबला हो गया है। तो मैं बोली कि दूध नहीं पी रहा है, तो क्या बोलते हैं ना कि वीडियो में डालती हो ना नज़र लग गया होगा। मैं बोली ऐसा कुछ थोड़ी होता है। अभी बोले नहीं, फिर भी अच्छा नज़र भी लग जाता है लोगों को, अगर अच्छा भी लगेगा ना कि अच्छा पी ले रहा है, अच्छा है, तभी भी लग जाता है। तो फिर वही है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, पिएगा। पता नहीं क्यों भी खराब हो जाता है, तो ये लोग बच्चे लोग खाना पीना छोड़ देते हैं, दूध भी छोड़ देते हैं। तो बस वही है, बहुत दुबला हो गया। मुझे टेंशन हो रही है, मुझे दुबला बिल्कुल नहीं चाहिए, क्योंकि एक दुबलापन मैं झेल रही हूँ, देख सकते हो ये मिठी को। हाँ इसका जो है वो बहुत ज़्यादा बुरा हाल है, दुबली इतना ज़्यादा है। डॉक्टर के पास भी मैं दो बार गई हूँ, एक बार जब 3 साल की थी तब गई थी, और अभी तो चल ही रहा है, मल्टी विटामिन मिला है इसको तो, और भूख का दवा, मतलब भूख का नहीं है, लीवर का कुछ है, तो वही है जिसकी वजह से भूख लग रहा है। सो इसका बदमाशी पूरा दिन झेलते रहना है, देख सकते हैं अभी उतर गया है। ये ड्रॉर जो मैंने लिया है ना, अब पछता रही हूँ, ये ड्रॉर में एक सामान रहने नहीं दे। ये देखिए इसमें मैं कपड़े फोल्ड करके रखती हूँ, और वो सारा कपड़ा लेकर के फेंक देता है। कभी कभी तो चलो जमा लो, लेकिन कभी कभी आप भी बिजी रहते हो, या फिर कभी कभी मन नहीं करता है। अगर दिन में 4 बार ऐसा कर दे, तो 4 बार आपके पास इतना टाइम है कि आप कपड़ा ऐसे जमाते रहो। तो इस तरह से वो फेंका हुआ था, बस ऐसे उठा के तब तक रखी हूँ, वो सारा गंदा कर देता है। पहले कितना अच्छा, जैसे 4 खल है ना, 4ों में आराम से कपड़े था। और ये सब जो मेरा ड्रॉर है ना, इसमें भी एक में लैठी चूड़ी है, जो भी है एक, मतलब ये सब जो भी चीज़ है वो ये छीटने फेंकने वाला है, वो पूरा फेंकने छीट फेंक देता है। यहाँ कार्टून दिख रहा है, बहुत दिन से ये कार्टून रखा हुआ था इसमें, जो मतलब खिलौने हैं ना, लगभग ये नहीं यूज कर रही थी, मिठी नहीं खेल रही थी, तो ये सब रखा हुआ था। अब ये लड़का उस रैक में से ये कार्टून निकाला, ये सोच के नहीं कि खिलौना है, ये तो फेंकने के लिए ही निकाला, लेकिन इसमें निकला खिलौना। तो मिठी बहुत ज़्यादा खुश हो गई, बोली कि मेरा भाई कितना अच्छा है, मेरे लिए खिलौना ढूंढ दिया, ये वो करके। पूरा घर इसी तरह से फैला हुआ रहता है। अभी थोड़ा देर पहले, मतलब 1 घंटा पहले मैं मिट्टी से ही साफ़ करवाई थी पूरा घर, मतलब जो भी फैलाई हुई थी ना, मैं इसको बोलती हूँ थोड़ा सा तारीफ़ कर देती हूँ, तो वो सारा काम कर देती है, मतलब सारा जो खिलौना है वो समेट देती है। मासी वो यही है। ये क्या कर रहे हो तुम, क्या कर रहे हो? देखो तो देखिए इसमें ना ये लैठी वगैरह है, ये वाला जो लैठी है वो इस डब्बे में था। ये डब्बा तो है, इस डब्बा का ढक्कन तोड़ मोड़ दिया, तो इसको मैं आज कचरे में फेंक दी डब्बा के ढक्कन को, तो अब ये डब्बा भी बेकार हो गया। और ये देख सकते हैं, इस लड़के को देख सकते हैं, ये जुल्फी वाला को देख सकते हैं। ए जुल्फी वाला, और ये है मेरा एक गिफ्ट, मान लो गिफ्ट समझ लो। ये देख सकते हो क्या है, ईयरबड्स है, मेरे पास पहले भी था लेकिन बहुत दिन से ख़राब हो गया था, तो मतलब नहीं था, मतलब उसका एक राइट का सही भी था, लेफ्ट का ख़राब हो गया था। उसके बाद जो डब्बा जिसमें रखा जाता है वो फिर लूज हो गया, मतलब बाबू कर दिया खोल बंद कर के, तो उस तरह से वो ख़राब हो गया था। लगभग 6 मंथ से ऊपर हो गया है मेरा ख़राब हुआ, और उसके बिना मतलब थोड़ा काम तो चल जाता है, लेकिन दिक्कत होता है, जैसे कभी बात ही करना है, कभी वॉइस ओवर करना है एडिटिंग करने में,
और कभी फ़ोन चलाना है, बाबू को सुलाने टाइम बोर होते हैं ना, तो बहुत बहुत देर तक सोता नहीं रहता, तो कभी मन है कि चलो वो सो रहा है उसके बगल में, मतलब चुपचाप से फ़ोन देखो, तो ईयरबड्स लगा कर देख सकते हो, नहीं तो उसके पास भी लेटे रहो और फ़ोन भी नहीं देख सकते हो, तो ऐसा वाला हाल था। तो हस्बैंड ने ये ऑर्डर कर दिया है, मेरे पास आ गया है। आप लोगों को कैसा लगा इसका कलर बताइएगा, बहुत सुंदर प्यारा लग रहा है इसका कलर। तो ये है गिफ्ट मेरा। और आज के ब्लॉग में मैं पूरा ना सामने से बोलकर ब्लॉग शूट की थी, लेकिन 20 से 21 मिनट का वीडियो हो गया था पहले, तो फिर मैं ना उसको एडिट मतलब फास्ट फॉरवर्ड करके वॉइस ओवर करने लगी, फिर ये ब्लॉग कल ही जाना था, तो फिर ब्लॉग में दिक्कत हो गया, फिर कट करके फिर ये 13 मिनट का वीडियो हुआ है। तो यहाँ पे मैं दलिया बनाने आ गई हूँ, बस थोड़ा सा तेल मतलब घी अभी नहीं है घर में, इसलिए तेल में बनाती हूँ, नहीं तो घी में बनाना ज़्यादा अच्छा रहेगा। तेल डाली, जीरा डाली और प्याज डाली, उसमें हल्दी नमक ये डाल करके, थोड़ा सा हल्दी ज़्यादा आप लोगों को दिख रहा होगा, मतलब ज़्यादा इतना नहीं है कि टेस्ट ख़राब हो, लेकिन पीला रहता है तो बाबू खाता है अच्छे से इसको, दाल दलिया खिचड़ी ये सब। तो बस ये देख सकते हैं लगभग हो ही गया है, और इसमें बस पानी डाल दो और बंद कर दो। इधर मैं छुप के देख रही हूँ ये लोग क्या कर रहा है, तो यहाँ पे अभी खेल रहा है, और अभी मीठी खिला रही है तो खेल रहा है, अभी एक मिनट में ये रोने लगेगा। घर से निकलो, दो गेट है, किसी भी गेट से बाहर जाओ इसका रोना चालू हो जाता है, अभी इसका आंसू आप टपका हुआ देख सकते हो, अभी देखोगे आगे तो मतलब तुरंत में ये रोने लगता है। तो यहाँ दलिया लगभग हो गया है, बस दलिया और दाल दोनों को रख के थोड़ा सा मतलब समझो आधा मिनट भून लूँगी, उसके बाद डाल दूँगी पानी, और लगभग 5-6 सीटी दे देगा, उसके बाद मैं बंद मतलब उसके बाद उतारूँगी, क्योंकि ना दलिया थोड़ा सा कड़ा होता है, वो जल्दी मतलब सीतता नहीं है, और जब तक वो सीटी ठंडा ना हो, कुकर ठंडा हो रहा है तब तक मैं ना खड़े खड़े कोई काम करती हूँ, जैसे अब दलिया बना रही हूँ तो उतना देर में थोड़ा बर्तन धो ली चाहे कुछ कर ली, तो खड़े खड़े मेरा कमर दर्द होने लगता है, तो इस तरह से लेट जाती हूँ, थोड़ा आराम मिलता है, पेट के बल लेट जाती हूँ, तो जैसे पेट के बल लेटी ये लोग मेरे ऊपर चढ़ गया, और मेरा भी मतलब अभी जैसे मैं ही हूँ इसको खिलाने के लिए, और कोई है भी नहीं, मेरे साथ ही खेलता है, मेरे साथ ही खाता है, सोता है, सब कुछ करता है, तो थोड़ा इंटरटेन भी करना ज़रूरी हो गया। ये देखिए दलिया बनके तैयार है, कितना अच्छा देखने में लग रहा है और टेस्टी बनता है। ये देखिए इसका आंसू, मैं बोल रही थी ना ये रो रहा था, लेकिन कैसे भी रुला करके भी काम जो ज़रूरी है वो करना पड़ता है, बस जो ज़रूरी है वही करती हूँ, ज़्यादा तो कुछ करती भी नहीं हूँ। कृष्णा सो जाता है तभी मैं खुद के लिए खाना बनाती हूँ, चाहे 1 बज जाए या 2 बज जाए, क्योंकि ये जाने नहीं देता है, और किचन में रहे तो भी ज़्यादा दिक्कत होता है, तो बस इसी तरह से। और अब मैं इन दोनों भाई बहन को खिला दूँगी दलिया, इसी बहाने मीठी को भी खिला दे रही हूँ, क्योंकि मीठी खाने बहुत बेकार। कल के ब्लॉग में आपको कुछ अलग देखने को मिलेगा, तो कल का ब्लॉग ज़रूर देखिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग।